जितनी चर्चा केजीएफ के धमाकेदार सीन्स के बारे में हो रही है, उतनी ही चर्चा हो रही है इस फिल्म से जुड़े बिजनेस के बारे में। केजीएफ 2 का बिजनेस लगातार दूसरे हफ्ते भी आसमान छू रहा है। इस फिल्म ने अब तक 350 करोड़ की कमाई कर ली है। रविवार को 22 करोड़ कमाने के बाद लग रहा था कि सोमवार को शायद इस फिल्म का बिजनेस जरा फीका पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को भी इस फिल्म ने तकरीबन 20 करोड़ की कमाई की है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ लेने। जहां शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी नई होने के बावजूद भी दर्शकों में अपनी पैठ नहीं जमा पाई, वहीं केजीएफ दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों के दिलों पर छाई हुई है। लोगों के बीच जब ये बात आती है कि कौन सी फिल्म देखी जाए, तो अभी भी लोगों के लिए केजीएफ 2 प्रायोरिटी बनी हुई है। सोमवार को तकरीबन 20 करोड़ की कमाई करने के बाद आज यानी मंगलवार को केजीएफ 2 से तकरीबन खुश फैशन मेंस एंड किड्स वेयर की माह रमजान में खास पेशकश। 1999 रुपए में 3 जीन्स, 299 से शर्ट स्टार्ट और 450 रुपए में 3 टी शर्ट। देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाए खुश फैशन मेंस एंड किड्स वेयर। हमारा पता है संकेत एम्पायर सुख सागर होटल के सामने, स्टेट बैंक रोड, मालेगांव। तकरीबन 15 करोड़ कमाई करने की एक्सपेक्टेशन रखी गई है। अगर ये फिल्म इस एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है तो शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक इसका कुल बिजनेस 81 करोड़ रुपए हो जाएगा। फिलहाल केजीएफ 2 ने शाहिद की जर्सी के रंग तो उड़ा ही दिए। बात करें अगले शुक्रवार को रिलीज हो रही टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरो पंती 2 और अजय देवगन की रनवे 34, तो इन फिल्मों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखा ये जाएगा कि अगले हफ्ते तक इस फिल्म का खुमार दर्शकों के सर से उतरता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन दोनों फिल्मों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार, डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार, डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में दिया जाता है।